आज मैं आप लोग को जो वनस्पति दिखा रहा हूँ दोस्तों, यह वनस्पति सच में एक दिव्य चमत्कारी औषधि है। अगर आप भी इसके चमत्कार जानोगे तो सच में हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस वनस्पति को जब भी मैं देखता हूँ अपनी बचपन की घटी हुई घटना मुझे साफ साफ याद आ जाती है। तो चलिए आज मैं आप लोग को इस वनस्पति की जो पहचान है, गुणधर्म है, फायदे हैं, उसे बताने से पहले आप लोग को हमारे साथ बचपन में जो घटना हुई थी उस घटना को मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस घटना से संबंधित है यह वनस्पति। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सुनिए और अच्छे से समझिए और इस वनस्पति को अच्छे से पहचान करके रखिए। बरसात के मौसम में आसानी से यह आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो बचपन में हमारे साथ क्या हुआ था, गांव देहात के जो लोग होते हैं, जानते हो आप लोग अक्सर गाय बैल भैंस बकरी रखते हैं, तो हम लोग भी बचपन में गाय बैल भैंस बकरी रखते थे अपने घरों में और गाँव के अक्सर बहुत से लोग रखते हैं। तो हमारे गाँव के जितने भी जो अपने अपने दोस्त लोग थे उनके सभी के घरों में गाय बैल भैंस हुआ करता था और हम लोग जब छुट्टी होता था तो हम लोग जंगल में जा करके चराते थे गाय बैल भैंस को अपना, और ऐसे करते करते पढ़ाई भी करते थे, मतलब स्कूल भी जाते थे और छुट्टी के दिन गाय बैल भैंस चराते थे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग अपने जितने भी गाय बैल भैंस बकरी थे उन सभी को चराते चराते बहुत दूर ले गए जंगल में, मतलब घनघोर जंगल में चले गए। और जब शाम हुआ, पूरा दिन पहर खत्म हो गया, तो हम लोग घर आना चाहे तो घर आने का हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, आप लोग को मैं थोड़ी सी और दूसरे वनस्पति के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोग एक जंगल में भूलन बेल नाम का वनस्पति होता है जिसको चलते चलते कोई अपने पैर में टच कर दे या फिर उसको पैर के नीचे, मतलब उसको अपने पैर में दबा के उसके ऊपर से निकल जाए या फिर उसको कहीं से भी टच कर ले, हाथ लगा ले या फिर किसी भी तरीका से वह आपके शरीर में स्पर्श हो जाए, वह भूलन बेल। तो यह भूलन बेल दिमाग को पूरी तरह से वश में कर लेता है और आपको कुछ भी याद नहीं रहता, मतलब आप जहाँ से आए हो वहाँ का रास्ता आपको मालूम नहीं पता चलेगा। अगर जंगल में जा कर के आपने भूलन बेल को हाथ लगा दिया या फिर टच कर लिया है तो हम में से सभी लोग लगभग भूलन बेल को जाने अनजाने में स्पर्श कर चुके थे। हमारी मेमोरी, हमारा दिमाग, हमारा याददाश्त काम नहीं कर रहा था, हम अपने घर आने का रास्ता ही भूल गए थे, जंगल में ही भटक रहे थे। तो सच बता रहा हूँ, मायूस उदास होकर के सोचने लगे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक दूसरे को पूछ रहे थे कि रास्ता कहाँ से जाएगा, इधर से जाएं, किधर से जाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, और कहीं जा करके देखते थे तो वह गलत रास्ता निकलता था। तो हम लोग थक हार करके एक जगह शांति से बैठ गए और बैठे बैठे हमारे सामने, अभी मैं आप लोग को जो वनस्पति दिखा रहा हूँ, इस वनस्पति में नीले नीले पुष्प आता है, तो आप लोग देख सकते हो ऐसे ही नीले नीले पुष्प खिला हुआ था जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ पर। तो मैं उसको देखा, मुझे बड़ा ही सुंदर और प्यारा लगा यह पौधा। मैं उस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मेरे लिए सिर्फ वनस्पति था, घास था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे अंदर एक बचपन से जो आदत है, उसी आदत के चलते शायद मैंने ऐसा किया। जैसे ही उस पौधे को देखा तो उसके फूल बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो उसको तोड़ करके मैं सूंघने लगा और अच्छा जब लगा मुझे तो मैं उसको चबाने लगा, फिर उसको फूल को तोड़ा और चबाने लगा। ऐसे करते करते जितने भी नीले नीले पुष्प थे उन सभी पुष्प को मैंने तोड़ तोड़ करके खा लिया, उसके साथ साथ उसके पत्तों को भी चबा चबा करके खाने लगा। खाने पर मुझे यह स्वाद में कड़वा लगा और थोड़ा सा तीखा लगा। मैंने अपने दादी नानियों से सुना था कि जो कड़वा और कसैला होता है वह महा औषधि होता है, तो मैं जब भी कोई चीज़ सहने योग्य हल्का कड़वा लगता है तो उसको चबा करके खाने लग जाता हूँ। तो उस दिन भी मुझे यही वनस्पति मिला और मैं इसके पत्ते और फूल को चबा चबा करके आराम से बैठ करके खाने लगा। जब 5-10 मिनट हुआ तो मुझे अचानक से याद आया कि अरे, हम लोग फालतू यहाँ बैठे हैं, घर क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारा घर जाने का रास्ता तो यहाँ से जाता है। और मैंने सबको बताया तो सब लोग कहने लगे कि अबे तू पागल है, यहाँ से तो हम लोग गए थे लेकिन कोई दूसरा रास्ता निकल गया था। तो मैंने बताया, नहीं भाई, यहाँ से हम लोग नहीं गए थे, हम लोग गए थे तो वहाँ से गए थे। तो इस तरह से वे लोग हम मुझे गुमराह कर रहे थे और मैं उन लोगों को सही राह दिखा रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग खुल चुका था। मैं इस वनस्पति की फूल को और पत्ते को चबा रहा था और यह तत्काल असर शायद इसलिए हो रहा था कि हम लोग भूखे पेट थे और खाली पेट जो भी चीज़ चबा चबा के रगड़ रगड़ के अगर खाओगे
तो वह बहुत ही जल्दी और तुरंत असर करता है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हो, मेरे रास्ते में आओ, मैं आप लोगों को घर लेके चलता हूँ। फिर मैंने उन सबको सही रास्ता दिखा करके अपने अपने घर आए सब लोग, और रास्ते में सबको बताया कि हम लोग भोलन की जो बेल लता होती है उसको अपने पैर तले रौंद चुके थे, इसलिए हमारा याददाश्त चला गया था। मैंने उन सबको सारा कहानी बताया और समझाया, तब जाके उन लोगों को पूरी तरह से याद आया, क्योंकि जो भी भूलन बेल को स्पर्श कर लेता है उसको अच्छे से हर एक चीज को बताया जाता है, याद दिलाया जाता है, तो उसको याद आ जाता है। और इस वनस्पति की पत्ते या फूल को चबाने से भी याददाश्त आ जाता है, जैसा कि मुझे आ गया। तब मैंने बाद में इसका अध्ययन किया, आयुर्वेद में ढूंढा, इस वनस्पति के बारे में खोजा तो जाना और समझा कि सच में यह औषधि एक दिव्य चमत्कारी औषधि है। इस वनस्पति को दोस्तों संस्कृत में विष्णु क्रांता कहा जाता है, नील शंख पुष्पी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पुष्प हैं नीले नीले हैं। इसके अलावा हरि क्रांता, नील पुष्पा भी कहा जाता है, और इसका हिंदी नाम है श्याम क्रांता या शंख पुष्पी। शंख पुष्पी और भी वनस्पति को बोला जाता है, मतलब दो तीन प्रकार के शंख पुष्पी होते हैं, तो यह एक प्रकार से मान सकते हो जंगली वनस्पति है और जंगली शंख पुष्पी है। उड़िया में इसे कृष्ण एन क्रांति कहा जाता है, और गुजराती में इसे काली शंख वाली कहा जाता है, तेलुगु में विष्णु क्रांतामु कहा जाता है, पंजाबी में भी इसे शंख पुष्पी ही कहते हैं। और इस वनस्पति का वनस्पतिक नाम है दोस्तों इवाल्वुलस एल्सिनाइडिज, और यह कानवालुलेसी कुल का पौधा है। तो दोस्तों आपने इसके नाम जाना, और जो मैं घटना बताया उसके हिसाब से आप समझ गए होंगे कि यह पौधा चेतना को जागृत करता है और मस्तिष्क की बंद नसों को खोल देता है। इसलिए मिर्गी वाले लोगों को 5 से 10 ml इस पौधे का पूरा पंचांग का रस प्रतिदिन खाली पेट पीना चाहिए, और जिसको बल बुद्धि बढ़ाना है उसको पूरे पंचांग को कूट पीस करके काढ़ा बनाना है 1 गिलास पानी में, और जब आधा गिलास बचे तो उसमें 1 ग्राम जीरा का पाउडर मिला करके और थोड़ा सा दूध मिला करके पीना चाहिए सुबह खाली पेट। लेकिन दूध देसी गाय का दूध होना चाहिए, जो गांव देहात में देसी गाय से निकाला जाता है। अगर देसी गाय का दूध ना मिले तो सिर्फ जीरे का पाउडर डाल करके पी लेना चाहिए। ऐसा करने से बल की वृद्धि होती है, बुद्धि तीव्र होता है, और हल्का फुल्का शरीर में ज्वर भी होता है तो वह भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा इस विष्णु कांता के पौधे को या नील शंख पुष्पी के पौधे को आप पीस करके अपने बालों में भी लगा सकते हो। ऐसा करने से बाल लंबे घने और मुलायम होते हैं। या फिर आप इसके पूरे पंचांग को किसी तेल में पका करके उससे तेल तैयार कर सकते हो। इसको भी बाल में लगाने से बाल लंबा घना मुलायम मजबूत होता है। अगर धूम्रपान की वजह से या फिर किसी भी वजह से श्वास में कष्ट हो रहा है, मतलब श्वास नली में सूजन है, तो आप इसके पत्तों का 5-10 ml निकाल लीजिए और हल्का गर्म करके उसको पीजिए, और इसके पूरे पंचांग को कूट पीस करके गले में श्वास नली में लेप कर दीजिए, तो वह श्वास की समस्या भी ठीक हो जाएगी। अगर किसी को खून की उल्टी हो रही है तो भी आप इसके पत्तों का रस निकाल करके उसे पिला सकते हो और तुरंत असर देख सकते हो, उल्टी बंद हो जाता है तुरंत का तुरंत। देखा दोस्तों, इस वनस्पति को कभी भी मामूली समझने की भूल ना करें, और इसका सेवन जिस तरह से बताया उस तरह से करने की कोशिश करें, आपको फायदा निश्चित रूप से होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और भी अच्छी वनस्पति की जानकारी लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, नमस्कार।